इंदौर नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब है। इस शहर के कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसमें इंदौर का 50 साल पुराना सरवटे बस स्टैंड भी शामिल है। करीब 6 महीने पहले इसे तोड़ दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा बनाने का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। सभी बस स्टैंड को बनाने के लिए विकास समिति बनाई गई है। विकास समिति में आने वाले मत से सरवटे बस स्टैंड के कामों को गति दी जा रही है। निगम आयुक्त आशीष सिंह के दावे के अनुसार बस स्टैंड के निर्माण में फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही शहर में चल रहे विकास कार्यों के लिए भी वित्तीय व्यवस्था को अगले एक पखवाड़े में मजबूत कर सभी काम प्राथमिकता से पूरे कर लिए जाएंगे। देखिए, सरवटे बस स्टैंड में चूंकि हमारा एक अलग से जो बस स्टैंड विकास समिति का पैसा है वो हम लोगों ने उसकी तरफ डाइवर्ट किया है, तो फंड उसको लगातार उपलब्ध होता रहेगा। हम लोग बहुत जल्दी उसको पूरा करेंगे। बाकी सरवटे और दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं, प्रायोरिटी प्रोजेक्ट में संभागायुक्त साहब के द्वारा इनको लिया गया है और हमारे द्वारा इनको लगातार चालू रखने का प्रयास किया जाएगा जैसे भी फंड की अवेलेबिलिटी होगी। लेकिन मुझे लगता है जैसे ही हमारी ये वित्तीय समस्या जो है ये दूर होगी, तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे हमारे प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के तौर पर रहेंगे और बहुत जल्दी हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे।